हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू योर चैप्टर 5 स्पेशल इफेक्ट्स इन पावरपॉइंट 2013। एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। एमएस पावरपॉइंट में आप कैसे एनिमेशन एंड ट्रांजिशन को इंसर्ट करेंगे? एनिमेशन, इफ द ऑब्जेक्ट्स इन योर स्लाइड आर मूविंग, दे विल कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस एंड लीव एन एवरलास्टिंग इम्पैक्ट। अगर आपकी स्लाइड में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो एक ऑडियंस पे एक पर्टिकुलर एवरलास्टिंग इम्पैक्ट डालेगा। द वेरियस ऑब्जेक्ट इन अ प्रेजेंटेशन कैन बी एनिमेटेड यूजिंग एनिमेशन। आप कई तरह के ऑब्जेक्ट्स में आप एनिमेशन लगा सकते हैं। एनिमेशन इज अ सेट ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स दैट कैन बी अप्लाइड to all the objects on the slide, sound and visual effects can be given to them. Animation एक special effect होता है जो आप किसी भी object में अपनी slide में लगा सकते हैं और इससे visual effects आप उसको दे सकते हैं। This also helps in increasing the interest of the user. अगर आपकी presentation में animation होगा, आपकी slide में animation होगा, तो इससे आपकी presentation काफ़ी effective दिखाई देगी सबको। You can add the built-in animation present in PowerPoint 2013 or create your own. आप animation अपने आप इसमें जो already set होते हैं वो लगा सकते हैं या खुद के भी animation create कर सकते हैं। To add the built-in animation, अब built-in animation जो पहले से आपके PowerPoint में होते हैं आप उनको कैसे ऐड करेंगे? Step 1, first of all, select the object you want to animate on the slide. आपको जिस भी ऑब्जेक्ट में एनिमेशन लगाना है उसको आपको पहले सिलेक्ट करना होगा। Step 2, click on animation step, फिर animation tab पे क्लिक करना होगा। Step 3, click on add animation in the advanced animation group, फिर add animation पर क्लिक करना होगा जो आपके add advanced animation group में होगा, जिसे आप custom animation PowerPoint 2007 में भी होता है। Then Step 4, from the drop-down box, choose any option, Entrance, Emphasis, Exit. आपके सामने drop-down menu आएगा, आपको जो भी menu को choose करेंगे, जैसे Entrance, Emphasis, Exit, आप कोई भी menu उसमें से choose कर सकते हैं। Entrance, how it will appear or enter the slide. यानी कि जब सबसे पहले आपकी स्लाइड आएगी सबके सामने तो वो किस तरह से आपके सामने दिखाई देगी, यानी कि एंट्रेंस स्लाइड की कैसे होगी। एम्फेसिस, हाउ इट विल अपीयर वाइल ऑन द स्लाइड, यानी कि जब स्लाइड चल रही होगी उस टाइम पे ये किस तरह से शो होगी। एग्जिट, हाउ इट विल लीव द स्लाइड, एग्जिट कैसे होगी किसी स्लाइड की। क्लिक ऑन द एनिमेशन यू वॉन्ट टू ऐड टू इट, आपको जिस पर भी आपको जो भी ऐड करना है आप उस पर क्लिक कीजिए। Each option has several effects. हर option का एक several effects होता है। You can click on more entrance, emphasis, exit effects to check out the other option available. इसमें कई सारे other option भी होते हैं, more entrance, emphasis and exit, जिसको आप अपनी PowerPoint की presentation में add कर सकते हैं। Select the option you want. आप जो भी option इसमें से चाहें select कर सकते हैं। Step 6. Click on the animation pane in the advanced animation group. Advanced animation group में आप animation pane पर क्लिक कीजिए। In the animation tab, जो कि आपके animation tab में होता है, to open it on the right side, जो आपके right side में है। Step 7, click on the drop down arrow next to the first object. अब drop down menu में first object पर क्लिक कीजिए। You get the option to start. आपके सामने स्टार्ट का एक ऑप्शन होगा। ऑन क्लिक इफ यू वांट द एनिमेशन टू स्टार्ट ऑन क्लिक ऑफ द माउस, अगर आप अपने एनिमेशन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। विद प्रीवियस इफ यू वांट द एनिमेशन टू स्टार्ट सिमल्टेनियसली विद द प्रीवियस ऑब्जेक्ट एनिमेशन, अगर आपको पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ एनिमेशन को स्टार्ट करना है तो आप विद प्रीवियस पर क्लिक कीजिए। आफ्टर प्रीवियस If you want the animation to start after the previous object's animation, अगर आपको आपके after the
प्रीवियस ऑब्जेक्शन के बाद वाले पे क्लिक करना है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। स्टेप 8, क्लिक ऑन द इफेक्ट ऑप्शन और टाइमिंग्स टू चेंज द सेटिंग। आप इसमें इफेक्ट्स ऑप्शन और टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं, यानी कोई स्लाइड कितने टाइम तक आपके सामने रहेगी तो ये टाइम भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। बोथ विल ओपन द सेम विंडो एज शोन, बोथ जो आपके दोनों हैं वो सेम विंडो में शो होंगी। चूज द इफेक्ट यू वॉन्ट बाई क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। आपको जो भी इफेक्ट अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में डालना है वो आप उसमें से ड्रॉप डाउन एरो में से चूज कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन रिमूव टू डिलीट द एनिमेशन। अगर आपको अपने एनिमेशन डिलीट करना है तो आप डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड द सीक्वेंस ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एनिमेशन यू वॉन्ट टू मूव, यूज द अप एंड डाउन एरोज टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द एनिमेशन। अगर आप चाहें तो एनिमेशन का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं कि पहले ये वाला एनिमेशन आए या फिर ये वाला, तो यानी कि एनिमेशन का सीक्वेंस भी लगा सकते हैं। प्ले फ्रॉम, व्हेन यू सेलेक्ट एन एनिमेशन यू कैन सी द इफेक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। आप जब प्ले फ्रॉम पे क्लिक करेंगे तो क्या है, आपका जो भी आपने एनिमेशन इंसर्ट किया है आपका वो ऑब्जेक्ट में शो होगा। टू सी द इफेक्ट अगेन क्लिक ऑन द प्ले फ्रॉम बटन इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक प्ले फ्रॉम का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करके अपना एनिमेशन जो आपने इंसर्ट किया है वो आप देख सकते हैं। प्रीव्यू बटन, यू कैन चेक हाउ द इफेक्ट विल लुक ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन by clicking on the preview button on the left side of the animations tab. preview button में आपने जो भी animation अपनी slide में insert किया है वो आप उसका preview check कर सकते हैं किस तरह से ये show होगी। using animation painter, अब animation painter क्या होता है, you can click on the animation painter if you want to use the same animation for more object. आप एनिमेशन पेंटर पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपको एक ही एनिमेशन कई ऑब्जेक्ट्स में लगाना है। स्टेप 1, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट विच हैज़ एन एनिमेशन अप्लाइड टू इट। आपको जिस पे भी सबसे पहले क्या करना है, जिस पर भी एनिमेशन लगाना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन एनिमेशन पेंटर इन द एडवांस एनिमेशन ग्रुप इन द एनिमेशन टैब। अब एनिमेशन टैब के एडवांस एनिमेशन ग्रुप में आपको एनिमेशन पेंटर पर क्लिक करना है। देन स्टेप 3, क्लिक ऑन द अदर ऑब्जेक्ट ऑन विच यू वॉन्ट टू अप्लाई द सेम एनिमेशन। फिर उसके बाद और जिस भी आपको ऑब्जेक्ट पे वही एनिमेशन को ऐड करना है आप उस पर क्लिक कीजिए, आपका एनिमेशन सारे ऑब्जेक्ट्स में सेम हो जाएगा। नाउ स्लाइड ट्रांजिशन, अब स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, स्लाइड ट्रांजिशंस आर द मोशन इफेक्ट्स दैट अकर्स व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। स्लाइड ट्रांजिशन आप एक मोशन इफेक्ट है जो ये एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड कैसे आपकी मूव होती है। यू कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ ई स्लाइड इफेक्ट एंड यू कैन ऑल्सो एड साउंड। स्लाइड ट्रांजिशन में आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, जैसे कि इतने टाइम तक ये स्लाइड आए फिर उसके बाद ये स्लाइड स्टार्ट हो, तो ये सारी चीज़ें आप स्लाइड ट्रांजिशन में ऐड कर सकते हैं। और आप इसमें साउंड भी डाल सकते हैं, कोई सॉन्ग है पर्टिकुलर या किसी की वॉइस है, रिकॉर्डेड वॉइस है, तो आप वो भी स्लाइड ट्रांजिशन की हेल्प से इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई अ डिफरेंट ट्रांजिशन टू ई स्लाइड और द सेम वन टू ऑल ऑफ देम। आप डिफरेंट ट्रांजिशन अलग अलग स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं या फिर एक ही ट्रांजिशन सारी स्लाइड्स में लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।